मैंने काफ़ी चीज़ें खाने को दी, मतलब समोसे, पकौड़े, जूस भी दिया। तो लास्ट में उन्होंने मुझे आधी कोल्ड ड्रिंक दी, तो जब वो दी ना तो मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या मारा पीटा, मतलब उन्होंने बहुत कुछ करा मेरे साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ है क्या हुआ। मैंने भी मुझे मारती थी, उनकी बड़ी सिस्टर भी मुझे मारती। पहले उन्होंने मेरी ना एक वीडियो बना ली थी जिसके साथ उन्होंने ब्लैकमेल करते थे, उसी के साथ उन्होंने निकाह करवाया मार पीट के। उसके बाद सिर्फ मेरी वीडियोस तो नहीं, उनके बाद और भी लड़कियों की वीडियो साथ में ला था। रेड मारने से पहले कॉल करके बता देते थे कि आप लोग उधर से निकल जाओ, लड़की को लेके हम लोग उधर। खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी स्टडी भी जारी हो गई है। इसको एक ना भयानक ख्वाब समझ के भूल गई। एक दो दिन पहले मम्मा को कॉल भी आई थी कि आप केस ख़त्म करने के कितने पैसे लेंगे। गाड़ी में नहीं, किसी मतलब रिक्शे में नहीं, किसी बस में नहीं, मुझे ट्रक पे सामान के नीचे मुझे ये लोग दुबई से अप्लाई कर रहे थे। ये लड़कों की मोहब्बत आजकल कुछ नहीं है। अपने घर को देखो, अपनी स्टडी देखो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, आप किसी के पास ना जाएं, लोग आपके पास खुद आए चल के। उम्मे हबीबा, उम्मे हबीबा, ये बताएं कि मुल्ज़िम के साथ आपका रابطہ कैसे शुरू हुआ था? यला लूडो से। अच्छा, कितना अरसा आपने उसके साथ बातचीत की होगी? एक हफ्ता या 9 दिन ऐसे कुछ, 10 दिन ऐसे। फिर क्या हुआ कि आप अपने घर छोड़ के चली गई थी? उसने क्या ऐसी बात की थी? उन्होंने मेरी उनसे फ्रेंडशिप हुई थी ना, तो उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि हम लोग ना मिल रहे थे, मैं अपनी मम्मा के साथ आया हूँ और अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, हम लोग मिल देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ना। तो एक दिन उन्होंने चार से मेरी रात को ना 2 बजे करीब कॉल की कि ना मैं ना खड़ा हुआ हूँ शाह फैसल के पास ना, तुम आ जाओ। मैंने कहा आप किधर खड़े हैं? कहता है तुम मतलब किधर आना है? मैंने कहा अच्छा मेरे घर नहीं आना, इतनी रात हो रही, मेरे बाबा मामा डांटेंगे। तो कहते मैंने कहा उसको ना अब शरा फैसल के पास रहो, पर वो स्टार गेट की तरफ खड़े हुए थे, शरा फैसल की तरफ ही रोड पे, मैन रोड पे। तो मैं उधर ही, मैं जब उनके पास गई तो उन्होंने मतलब उनसे मेरी बातचीत होने लगी, उनकी बड़ी सिस्टर से मेरी अच्छी बातचीत हो गई इस्लाम दुआ ना, तो हम लोग वैसे ही बातचीत कर रहे थे। तो मतलब उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें खाने को दी, मतलब समोसे, पकौड़े, जूस भी दिया। तो लास्ट में उन्होंने मुझे आधी कोल्ड ड्रिंक दी, तो जब वो दी ना तो मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ है क्या हो रहा है कुछ नहीं। मतलब मैंने वो पिया है, कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा ऐसा मेरा दिमाग घूमने लगा और बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। तो जब आप होश आया तब आपने खुद को कहाँ पाया? मैं एक रूम के अंदर थी जहाँ ए अब्दुल्ला थे, उनके साथ एक और जेंट्स थे, पता नहीं वो कौन थे मुझे नहीं पता, और उनकी सिस्टर थी, एक और सिस्टर थी और उनकी मामा थी। अच्छा, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर मैं क्यों, क्या मसला है ये वो। तो उन्होंने कहा अब ना मैं ना अब्दुल्ला ने कहा कि मैं आपसे निकाह करूँगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना आपसे निकाह, बट उन्होंने जैसे तैसे ज़बरदस्ती ना मुझे मारा पीटा, मतलब उन्होंने बहुत कुछ करा मेरे साथ, ज़ोर ज़बरदस्ती, उनकी मामा ने भी मुझे मारती थी, उनकी बड़ी सिस्टर भी मुझे मारती थी, मार पीट के उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती निकाह करवा लिया था। अच्छा, आपकी कुछ वीडियो भी उस टाइम आई थी, वो कह रहे थे कि इनको हिसाब है, कोई जिन वगैरह का चक्कर है, तो वो आप नशे में थी या कोई और चीज़ थी? नहीं 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 जिन वगैरह तो यहाँ पे तो नहीं आते, फिर घर पे, मेरे घर पे तो जिन नहीं आते, वहाँ पे क्यों आते थे? नहीं जिन वगैरह कुछ नहीं थे, वो मुझे नशा देते थे, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब मैं अपने मामा से बात करती ना तो करती थी, तो मुझे जैसा बोलते थे मैं वैसा ही बोलती थी, मुझे मतलब कोई समझ नहीं आती, मतलब मुझे कोई अगर सवाल भी करे ना तो मुझे कुछ समझ आता मुझे क्या बोलना है आगे से, वो मुझे इतना नशा देते थे। उसके बाद मुझे ने आपको क्या कहा कि निकाह के बाद हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? मतलब निकाह से पहले उन्होंने मेरी ना एक वीडियो बना ली थी जिसके साथ उन्होंने ब्लैकमेल करते थे, उसी के साथ उन्होंने निकाह करवाया मार पीट के, और मतलब उस वीडियो के साथ उन्होंने बहुत मुझे ब्लैकमेल करा कि मम्मा के खिलाफ आपने ये बयान देने हैं, वो देने हैं, ये करना है, वो करना है, वरना आपकी मम्मा को, आपके बाबा को मार देंगे और आपको भी मार देंगे। तो मैं सिर्फ इसलिए ब्लैकमेल हो के, मैं इस वजह से मैंने अपनी मम्मा के खिलाफ बयान दिए थे और ऐसा कुछ बोला था, जो मतलब जो उन्होंने मुझे बोला था ना मैंने बस वही बोला था, मुझे नहीं पता जी। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अभी देखिए मैं यही चाहती हूँ, उसके बाद सिर्फ मेरी वीडियोस तो नहीं है, उनके पास और भी लड़कियों की वीडियोस है जी। उनके पास ओप्पो का फ़ोन है जिसके अंदर उसके मतलब जो लड़कों को भी पकड़ते हैं वो लोग, उनकी मतलब उनके साथ उनको मारने पीटने की, कान काटने की वीडियोस, अजीब अजीब वीडियोस होती है ना छुरियाँ मारने की, तो उनके उस फ़ोन के अंदर मेरी भी वीडियोस है और भी लड़कियों की वीडियोस है और उन लड़कों की भी वीडियोस है। तो मैं ये चाहती हूँ वो गिरफ्तार और वीडियो डिलीट हो और उसको सज़ा मिले, और आयो को भी सज़ा मिलनी चाहिए। आयो को भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि आयो तो उनके साथ मिला था। रेड मारने से पहले कॉल करके बता देते थे कि आप लोग उधर से निकल जाओ, लड़की को लेके हम लोग उधर आ रहे हैं रेड मारने। आप फिर कराची कैसे आई थी? मैं बायर आई थी कराची, उनके अब्दुल्ला के फादर के साथ, उनके भाई के साथ। तो एयरपोर्ट में पिक करने मेरा आया था, एक रात उसने मुझे घर रखा अपने, दूसरे दिन मेरे को थाने लेके गया, अपने पास उसने बयान लिखा है वो कोर्ट में जमा कराया, मेरे जज के सामने पेश कराया, और जज के सामने जब मैं पेश हो रही थी तभी मैंने बोला था तुम्हें पता है ना क्या बोलना है, वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा।
आयो कह रहा था जी, आयो कह रहे थे। अच्छा, चले जो कुछ हुआ सो हुआ। अभी आप अपने घर पर रहे हैं, अभी कैसे महसूस कर रहे हैं? अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरी स्टडी भी जारी हो गई है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? जी मैं अभी 9th के पेपर की तैयारी कर रही हूँ। स्टडी कर रहे हैं जी। पर पेरेंट्स के साथ खुश हैं? बहुत ज़्यादा। आपस में लड़ती फिरती हैं? बहनों के साथ। क्यों लड़ती हैं? चीज़ पे हो जाती है लड़ाई, फ़ोन पे हो जाती है, मतलब किसी भी चीज़ पे हो जाती है। मैं बस को ना भयानक ख्वाब समझ के भूल गई हूँ। मतलब मैं अपने आप को इतना मसरूफ रखती हूँ घर के कामों पे, अपनी मम्मा के साथ कभी फ़ोन पे लग जाती हूँ, मैं अपने आप को फारिक छोड़ती नहीं हूँ कि मेरा जहन उस तरफ जाए, मेरा माइंड उस तरफ जाए। तो अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ। अभी क्या वो मुल्ज़िम रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं? जी मेरे टिकटॉक पे कमेंट्स करते हैं, वीडियोस पे आते हैं और मतलब ब्लैकमेलिंग करते हैं। उनको अभी एक दो दिन पहले मम्मा को कॉल भी आई थी कि आप केस ख़त्म करने के कितने पैसे लेंगे। तो मैंने कहा मम्मा देखो केस तो हम लोग ख़त्म करेंगे नहीं, मैंने कहा आप लोग खुला दो, आ जाओ कोर्ट में पेश हो जाओ। मैंने उनके अब्बू को बोला कि अपने बेटे को बोला आ जाओ कोर्ट में पेश हो रहे, बट वो इसमें भी राजी नहीं है, एग्री नहीं। मैंने कहा अगर आप लोग कोई गैंग नहीं हो, अगर आप लोग इतने सच्चे ही हैं तो आ जाओ। जब आप मुझे कमेंट करके कहते मैंने तुम्हें कोई नशा नहीं कराया, तो मैंने कहा चलो अगर इतने सच्चे तो कोर्ट में पेश हो जाओ, बट वो ये इसमें भी एग्री नहीं है। मैंने कहा ठीक है। ये जो एक दो महीने आप वहाँ थी पंजाब में, एक ही शहर में थी या कहीं और इधर उधर लेकर जाते थे आपको? ये मतलब मुझे इतने शहरों में लेके गए ना, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता है। जी अजीब शहर थे, और मुझे किसी गाड़ी में नहीं, किसी मतलब रिक्शे में नहीं, किसी बस में नहीं, मुझे ट्रक पे सामान के नीचे लोड करते थे। जैसे बेड है, बेड के नीचे छुपाएंगे, खुद भी वहीं पर छुपेंगे, फिर ट्रक का गेट बंद होगा, फिर मुझे लेके जाना होता था उन्होंने। अच्छा जी। कभी आपने कोशिश नहीं की कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, किसी को बताएं फ़ोन करके? मैंने एक बार कोशिश की थी, तो मैंने अपने पापा को मैसेज करा था, पापा आई मिस यू ना, इतना मैसेज करके मैं वॉइस कर ही रही थी, उनको सब कुछ बता ही रही थी। इतने में अब्दुल्ला उठ गया था, तो उसने मुझे बहुत मारा पीटा, उसकी मम्मा को भी उसने बताया, उसने भी मुझे मारा। तो मैंने फिर उसके बाद कोशिश करा, छोड़ दी, मतलब मैं हार गई थी, मैं उम्मीद मैंने छोड़ दी। मैंने बोला बस ये लोग मुझे दुबई भेज देंगे और मैं चली जाऊँगी, मुझे नहीं लगता। दुबई में एक बॉय था, उसको वीडियो कॉल करके ना दिखाया करता था कि ये लड़की, और वो मुझे वीडियो कॉल पे कहा करता था तुम रेडी हो जाओ मेरे पास आने के लिए। अच्छा, आप दुबई जाने वाली थी? जी मुझे ये लोग दुबई से अप्लाई कर रहे थे। ठीक है। अच्छा एक छोटी सी, अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं जो बच्ची ऐसे घरों से निकल जाती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये सब कुछ भी नहीं होता, ये लड़कों की मोहब्बत आजकल कुछ नहीं है। अपने घर को देखो, अपनी स्टडी देखो, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, आप किसी के पास ना जाएं, लोग आपके पास खुद आए चल के। तो भाई अपनी स्टडी में फोकस करें, अपने घर की तरफ फोकस करें, माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं होता आजकल, सब अपने मतलब के लिए होते हैं।